सभी को बुलाना है, ठीक है ना। अच्छा बाकी वो दीदी के लिए तो आज हम लोग का ट्रेनिंग है, आज बहुत कुछ अलग ट्रेनिंग होने वाला, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला, बहुत कुछ हम लोग नया होने वाला है। चलो तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो आज SPL 9 आ चुका है, SPL 9 को लेकर सभी को प्लानिंग करना है और सभी को SPL 9 को लेकर भागना है, ठीक है। तो आज SPL 9 जो है उसको कम्प्लीट करना है, कम्प्लीट करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। हम लोग को मतलब कहने का मतलब है कि उसको अचीव करने के लिए बहुत सुंदर सा प्लानिंग करना होगा, ठीक है ना। ओके, जो भी प्लानिंग करना हो, जो भी काम करना हो, पर उसके लिए हम लोगों को कुछ अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं उस मतलब टारगेट को, उस मतलब उस जो हमारा डिजायर पिन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो चलो आज सिंपल सा आप लोगों से फिर से एक सवाल पूछता हूँ मैं, ठीक है ना। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कर रहे हैं, हम आज इस जो मतलब जो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम क्यों कर रहे हैं, आप लोग मुझे कोई जवाब देगा? चंदा आप बोल सकते हो। क्योंकि हमें अपने करियर में कुछ भी अचीव करना है, अचीवमेंट के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आज हम जॉब करते हैं या बाहर में जाकर कहीं भी जॉब करते हैं, आज जो ड्रीम है हमारा, वो ड्रीम को फुलफिल हम लोग नहीं कर पाते। जो ड्रीम है हमारा ड्रीम अनलिमिटेड है, तो उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे जॉब कर। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग अपना अनलिमिटेड ड्रीम जो है फुलफिल कर पाएंगे, इसीलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग करना। और साथ में मतलब क्या लगता है, मतलब जैसे तुमसे सवाल पूछता हूँ, जो हमारे यहाँ पे तुमने बताया लगता है यहाँ से सच में अपना अनलिमिटेड ड्रीम पूरा होता है, मतलब पूरा भरोसा है। अच्छा, क्योंकि देखो आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो आज हम लोग बहुत कुछ जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ सुनते हैं, और हम अपना लाइफ में नॉर्मल जो लाइफ है, जो हम लोग अपना लाइफ में जीते हैं, हम इधर में इसी को कॉपी पेस्ट करते रहते, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा, तुम सुन के यहाँ पे बता रही हो कि यहाँ पे ड्रीम अनलिमिटेड पूरा होता है, लेकिन क्यों लगता है और कैसा लगता है और क्या क्या तुम ड्रीम पूरा करना चाहिए, मतलब क्यों लगता है कि तुम पूरा कर सकते हो? क्योंकि आज हम लोग अगर किसी मार्केट में या बाहर में कहीं भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आज इतना हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि आज हम लोग गाड़ी लेंगे या घर लेंगे, वो सोच हम लोग उस समय नहीं, वो करके हम लोग वो सोच नहीं ला सकते। आज नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम लोग यहाँ करते हैं, आज मुझे यहाँ लगता है कि मैं यहाँ पे करती हूँ, तो मैं वो सोच में ला पाई हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। और करना अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, और मैं अगर उस लेवल पे जाके अगर करती हूँ तो मैं जरूर अचीवमेंट कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो चंदा का क्वेश्चन निकल गया है कि सबसे पहला चीज नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्या सिखाता है, सपना देखना सिखाता है, ठीक है। जो आज कहीं और हमको ये सपना देखने को मतलब हम नहीं सीख पाते हैं, हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। एक इंसान अगर नॉर्मली जॉब करता है, वहां पे सिर्फ वो सोचता है इतना पैसा आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, 25,000 आएगा, इसको मैं यहाँ 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 खर्चा करूंगा, या फिर इतना सेविंग करूंगा, हर महीना में इतना इतना सेविंग करते जाऊंगा और इतना इतना कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है मेरा लिमिट इसी के भीतर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा मतलब रास्ता है, एक ऐसा वे है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड सपना को पूरा कर सकते हैं, अनलिमिटेड ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, अनलिमिटेड ड्रीम पूरा करने का रास्ता है, और यहाँ पे क्या सबसे पहला पॉइंट है कि हमको एक सपना देखना सिखाता है, और अगर कोई देख सकता है तो डेफिनेटली उसको पूरा भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, जैसे आज हमारा डिब्रूगढ़ में क्या है, बोगीबिल ब्रिज है, तिनसुकिया में धौलासुकिया ब्रिज है, इसी को पहले किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे बन सकता है, तभी जाकर बना। अगर किसी ने ना सोचा होगा तो बन पाता क्या, कभी नहीं। मतलब पहले माइंड में आना जरूरी है, पहले पेपर पे आना जरूरी है, फिर जाकर क्या होता है वो प्रैक्टिकली बन पाता है, उसको इस्तेमाल कर सकते। ताजमहल तो भी सेम थे, किसी ने सोचा होगा, है कि नहीं। आज अगर हम लोग बात करते हैं जैसे दुर्गा पूजा में पूजा होती है, इतना सुंदर सुंदर पेंडल बनता है,
पेंटर बनने के बाद सुंदर लगते हैं ना, पहले से बन, मतलब किसी का माइंड में, किसी का मतलब दिमाग में, किसी के पेपर में बन के रेडी में रहते, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि सेम थिंग आज स्मार्ट फिल्म क्या करता है, हमको हमारा जो ड्रीम है, जो डिजायर है, जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हमको क्या करता है, सपना दिखाता है। अभी सिंपल सा बात है, दिखाने का तो काम कर दिया, ठीक है ना। पहला पॉइंट दिखाने का, हमारा कंपनी काम क्या कर रहा है, हमको एक मार्ग दिखा देता है, ये रास्ते से तुम अपना सपना तक पूरा पहुंच सकते हैं, इस रास्ते में ऐसे ऐसे करके चलने से अपना सपना तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचना या ना पहुंचना हमारे ऊपर डिपेंड, ठीक है ना। अभी जैसे और क्या क्या हो सकता है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अनलिमिटेड ड्रीम पूरा हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ वैलिड वैलिड पॉइंट को बात करते हैं, ठीक है ना। छोटा मोटा तो बहुत मिलेगा, बट वैलिड कुछ पॉइंट, जैसे अनलिमिटेड ड्रीम, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। और हम अपना टाइम को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करने जाएंगे तो एक इंसान पैसा ज्यादा कैसे कमाता है, एक इंसान पैसा ज्यादा और कैसे कमा सकता है, कब कमा सकता है, जब जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले तो अगर एक इंसान है, जैसे अगर हम लोग इंडिया का ही बात करें, इंडिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी, इनका नीचे में पता है कितना स्टाफ काम करते हैं, मैंने एक दिन नेट में सर्च करके देखा, 86 लाख लोग, कितना लोग काम करते हैं, 86 लाख लोग अगर एक घंटा करके भी काम करेंगे तो कितना घंटा काम होगा, 86 लाख घंटा काम होगा, है कि नहीं? Yes. और अगर 10 घंटा बढ़ा दिया जाए तो हर घंटा कितना काम होगा, हर रोज कितना घंटा काम होगा, 860 लाख पर डे काम होगा, ठीक है ना। और एक नॉर्मल इंसान का क्या फर्क होता है, एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज इंसान में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल इंसान और एक एवरेज इंसान, ठीक है ना, नॉर्मल इनकम और एक एवरेज सैलरी वाला इनकम दोनों बराबर है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल मैं एक क्या हूं, फॉर एग्जांपल रोज जो डेली वेजेस में जो काम करता है, दिन हजिरा करता है या जुगाली मिस्त्री कुछ भी करता है या फिर कोई भी एक दिन का हिसाब से पर डे का हिसाब से काम करता है, वो एग्जांपल के तौर पे मैं पकड़ता हूं, एक इंसान कितना पर डे कितना कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है, महीना में 30 दिन काम कर रहा है, जिसके लिए उसको कितना सैलरी मिल रहा है, 15,000 है, यस और नो? यस। मैं एक पॉइंट को समझाना चाहूंगा, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। एक इंसान है जो जॉब करता है, ठीक है ना, बैंक में नौकरी करता है, रेलवे में नौकरी करता है, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा अलग अलग प्राइवेट जॉब, फिर गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारा जॉब होता है, ठीक है। अभी एक इंसान वहां पर सिंपल जॉब करता है, ये तो डेली वेजेस हो गया, जॉब करके प्राइवेट गवर्नमेंट जो कुछ भी मिला ले महीने का, उसको मैं पकड़ता हूँ 20,000 रुपए मिलता है। मेरे पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डेली काम करके कितना मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, यहाँ पे महीना में जॉब करके कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, ठीक है ना। और एक कैटेगरी हो गया, जैसे और एक कैटेगरी हो गया, एक इंसान ने बिजनेस खोल लिया, बट ये ऐसा बिजनेस है जहां पे क्या हो रहा है, छोटा बिजनेस, क्या होता है, स्मॉल बिजनेस। एग्जाम्पल का तो फिर मैं बोलूंगा, गला मार दुकान हो गया, पान का दुकान हो गया, फास्ट फूड का दुकान हो गया, या फिर अगर मैं बोलूंगा तो कुछ कपड़ा सिलाई करने का दुकान हो गया, या तो छोटा मोटा कपड़ा का दुकान हो गया, इस तरीके का दुकान जहां पर ज्यादा स्टाफ नहीं, सिर्फ एक या दो स्टाफ और मैं अकेला भी मैनेज करके कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ करके कर रहा हूँ। तो ये इंसान का भी अगर देखने जाएंगे ना, महीने के आखिर में 25,000-30,000 इससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं निकलता, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, बट एवरेज अगर देखने जाएंगे तो मैं एग्जांपल का तौर पर पकड़ता हूँ 30,000, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इनका इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता, बढ़ने से थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा नीचे आएगा, ये जो बंदा जॉब कर रहा है इसका भी इनकम थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये इंसान भी जो कर रहे हैं ये थोड़ा ऊपर जा सकता है थोड़ा नीचे जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ये जो इनकम का जो रास्ता है, यहां पे क्या हो रहा है, एक लिमिट इनकम है, क्या है, एक लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड एक इनकम है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये एक लिमिटेड इनकम है, यहां पे समय क्या है, फिक्स है, जिसके लिए क्या इनकम है, एक लिमिटेड इनकम है,
बट ये बंदा क्या है अनलिमिटेड इनकम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे में टाइम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जांपल अभी समझते हैं अच्छे से, ये बंदा अकेला काम कर रहा है तो टाइम उतना ज्यादा नहीं बना पा रहा है, ये बंदा जॉब कर रहा है इसका भी टाइम महीने का उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक महीना में आपको पता है कितने घंटे होते हैं, एक महीना में टोटल 720 घंटा होते हैं। जब आप 24 into 30 into 12 तो आपको निकल जाएगा अप्रोक्स इतना घंटा निकल गया था, ठीक है ना, 720 घंटा होता है। और 720 घंटा में एक इंसान पूरा का पूरा 720 घंटा काम नहीं कर सकता, अगर 10 घंटा करके काम करेगा तो एक महीना में 300 घंटा काम होगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि आज एक इंसान अपना समय जो महीने में टाइम दे रहा है वो टाइम क्या होगा, एक लिमिटेड होगा। तो इनकम भी यहाँ पे कहेगा लिमिटेड, जॉब में भी इनकम लिमिटेड, बिजनेस वो छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आज अगर एग्जांपल मैं बोलूं इस तरीके का बिजनेस, जैसे आज यहाँ पे विशाल मार्केट है, कभी मालिक शायद आया होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है ना। आज अगर बात कर जाओ तो जैसे और भी बहुत सारा है, जैसे आज मैक्स मार्केट हो गया, वी मार्केट हो गया, बिग बाजार हो गया, ऐसा बहुत सारा है जहां पे क्या हो रहा है कि वहां तो उसका मालिक आता है या नहीं आता है, फिर भी उसको उसका इनकम मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हम लोग जैसे आज अगर बात करेंगे जैसे फ्लिपकार्ट से लोग बहुत सारे सामान मंगाते हैं, ठीक है ना, इसका मालिक यहाँ पे आता है क्या? नहीं आता, फिर भी उसका इनकम हो रहा है, ठीक है ना। आज अगर हम लोग बात करने जाएंगे जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, हर चीज का कुछ ना कुछ ब्रांड का है, उसका मालिक हमारे घर तक नहीं पहुंचता है, हमारे लोकल काम तक नहीं पहुंचता, फिर भी उसको इनकम आते रहता है। कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेन पावर को लेकर काम कर रहा है। क्या चीज को लेकर काम कर रहा है? मेन पावर को लेकर काम कर रहा है, और जो मेन पावर को लेकर काम करते हैं वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये अमीर लोगों का बीच और गरीब लोगों का बीच में, क्योंकि अमीर लोग इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, yes. है कि नहीं? Yes. अमीर लोगों के पास इतना पैसा होता है कि इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग का जैसा नॉर्मल इंसान के पास इतना कैपेसिटी है, इतना मतलब कैपिटल है, इतना पैसा है कि हम लोग इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। तो उसी दूरी को मतलब उसी डिस्टेंस को मिटाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़कर आया, और नेटवर्क मार्केटिंग सभी लोगों को मौका दे रही है, स्पेशली लेडीज लोगों को, और हम लोग का जैसा यंगस्टर नए स्टार्टअप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस लेने का मौका है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोग जैसे बताया, सूरज ने बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना टाइम को यहाँ पे टाइम को क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। रात का समय 6 बजे का समय, तो वहां पे एक इंसान था, ठीक है ना, एक इंसान था जो बाड़ी करता है, और उसका घर यहाँ से रेल लाइन जो है ना, इतना डिस्टेंस पे उसका घर है, और पता है हफ्ते में कितना दिन अपने घर पे सोता है? एक दिन भी नहीं सोता है। कितना दिन नहीं सोता है? एक दिन भी नहीं सोता है। तो आप लोग समझ कर देख सकते हो कि एक इंसान पैसा कमाने के लिए कितना मतलब उसको पैसा तो कमा लेता है, लेकिन टाइम का फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। आज सोच के देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, मेरे ही फैमिली में सब कोई मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन एक भैया निकले जो थोड़ा अलग हटके काम किया, उन्होंने क्या किया, विदेश चले गए, विदेश मतलब आउट ऑफ इंडिया चले गए, कुवैत बोल के जगह है, जहाँ पे उन्होंने जाकर क्या किया, वहां पे कुछ वेल्डिंग वगैरह का काम था, उस काम को पकड़ा, ठीक है ना, बहुत रिस्की काम है। मैंने देखा है उनका बच्चा आज शायद 5 या 6 साल का है, 2 बार आया है 5 साल में, और 2-2 महीना रहते चले जाते हैं, ये टाइम फ्रीडम है क्या उनके पास? No. अपना बच्चा, उनका बच्चा बड़ा हो जाता है मोबाइल में देख देख के, हालांकि टेक्नोलॉजी आज का है, अपना बाप को मोबाइल में देख कर, पापा मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना है, कि तो सोच के देखो, एक इंसान बड़ा हो जाता है सिर्फ मोबाइल में देख देख के। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम फ्रीडम लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज हम लोग तो मेट्रो सिटीज में नहीं रहते, अगर मेट्रो सिटीज में रहेंगे तो हम लोग जैसे बहुत सारा लोग है जो हम लोग ट्रिप में गए थे कोलकाता, वहां पे हम लोगों ने देखा था, रात को 2 बजे हम लोग एक बार गए थे कोलकाता स्टेशन पे, 2 बजे से थोड़ा पार हुआ 2:30 बज रहा था, हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे लोग काम करना स्टार्ट, ठीक है ना, मतलब लोगों को पैसा इतना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमने देखा
कि रात को 12 बजे हम लोग एक अपना बस का इंतजार कर रहे थे, हमारा ट्रिप के लिए जो बस ऑर्गेनाइज किया गया था वो थोड़ा रास्ते में खराब हो गया आते समय, तो बस के लिए हम लोग करीब 1.5 घंटा रुकना पड़ा वहां पे। देख रहे रात को करीब 11 बजे 12 बजे जो ट्रैफिक जाम, वहां पे पुलिस लोग पूरा जाम को मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है, तो वहां पे पैसा कमाने के लिए लोग एक एक दिन में दो दो शिफ्ट तीन तीन शिफ्ट तक काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा सर बताते हैं कि हम तो आजकल गया नहीं गुजरात, लेकिन गुजरात में सर बताते हैं एक इंसान सुबह उठता है न्यूज़पेपर का काम करता है, दिन में जाता है स्कूल पढ़ाई करता है, फिर शाम को आता है मतलब स्टूडेंट के लिए लड़का लड़की लोग वो लोग क्या करते हैं फिर चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री में चला जाते हैं, लेडीज लोग क्या करते हैं वहां पे मिल्क का फैक्ट्री में काम करते हैं, सुबह घर का काम करते हैं, शाम को कुछ और काम करते हैं, दिन में उनका काम बुक आ जाता है, बुक को मिलाना स्क्रैपल करना बहुत सारा काम, मतलब लोग अलग अलग तरीके से काम करके पैसा कमा रहे हैं, मतलब वहां पे मतलब कहने का मतलब पैसा तो आ रहा है बट टाइम का आजादी नहीं है, ठीक है ना। तो आज सिंपल सा बात है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या दे रहा है, टाइम का फ्रीडम दे रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक इंसान को लाइफ में चाहिए, है कि नहीं। ओके, इसके अलावा और हमको यहाँ से क्या मिल सकता है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। फिर और भी स्किल डेवलपमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है ना, जैसे कम्युनिकेशन, फिर अगर मैं बात चल जाऊँ लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज इसके अंदर में पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज एक इंसान का लाइफ में बहुत सारा जगह होता है जहाँ पे एक इंसान को सीखने का मौका नहीं मिलता है, बट हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से हम इस सिस्टम का थ्रू से एक इंसान को अगर आगे बढ़ने का भी मौका देते हैं ना, हम तो आते हैं तो डेफिनेटली सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़कर आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं जब इस सिस्टम में काम करने लगा धीरे 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 करके नॉलेज मिला, सिर्फ स्मार्ट वेल के अंदर का नहीं बाहर का दुनिया का भी बहुत सारा नॉलेज मिला, स्किल मिला, बहुत कुछ डेवलप कर पाया और बहुत कुछ डेवलप भी कर लिया। लेकिन सबसे मजेदार बात है ना कि हम यहाँ से 10 लोगों को मौका देते हैं, 20 लोगों को मौका देते हैं, उनको भी स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ सीखने का मौका देते हैं, जो उनके लाइफ में क्या आता है हर जगह पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक समय पे उनके साथ रहता है और काम आता है और उसको लेकर वो लाइफ टाइम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज स्किल डेवलपमेंट इस तरीके का बहुत सारा पॉइंट है जो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, और मतलब इतना पॉइंट है कि हम लिखने जाएंगे तो कितना मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज इस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आज बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, मनी फ्रीडम, ठीक है ना। आज हम लोग नॉर्मली जो आज नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाते, हम लोग वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा लग्जरियस कार खरीद सकते हैं, लग्जरियस घर बना सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम से। बट मेरा सवाल है, ये तो रास्ता दिखा के दे रहा है स्मार्ट वेल, पहला काम किया स्मार्ट वेल ने, क्या रास्ता दिखा के दिया, अब दूसरा काम भी तो करना पड़ेगा, वो क्या काम है हम लोग को, हाउ, कैसे करना है। तो आप लोग में से कोई बता देगा ये सब पूरा करना है तो कैसे करना पड़ेगा, फोर बेसिक, क्या करना पड़ेगा, फोर बेसिक, है कि नहीं। फोर बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अगर काम है वो है इनविटेशन, है कि नहीं। अगर इनवाइट नहीं होगा, अगर इनवाइट नहीं होगा तो क्या लगता है कि हमारा टीम डेवलप होगा, और हमारा टीम अगर डेवलप नहीं होगा तो क्या लगता है हम ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे, जितना कुछ हमने बात किया, जितना कुछ आप लोग भी सोच के रखे हो, जितना कुछ आप लोग भी अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए इस सिस्टम में आगे बढ़ो, क्या लगता है ये नहीं होगा, मतलब ये सब पूरा करने के लिए बिना मतलब हम लोग उसके टीम डेवलप किए हुए कर पाएंगे, नो, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, हमको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ये सभी ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको टीम बनाना पड़ेगा, टीम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, आज सिंपल सा बात है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जहां पे सभी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो कुछ लोगों को हो सकता है हमारे एज पे, मतलब इस ग्रीन एज पे, ठीक है ना, अगर मैं बोलने जाऊं तो 18 से लेकर 25 के भीतर में बार बार मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद ऐसा नहीं कि मौका मिलना बंद है, इसके बाद भी मौका मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमारे एज में मतलब समझ लिए, एक्सेप्ट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो बाद में जाकर करना ही पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। जब मोबाइल आया, क्या है, जब मोबाइल आया, ठीक है ना, छोटा मोटा मोबाइल था, वो सबको चाहिए, सभी ने लिया, हमारा पेरेंट्स ने सबसे पहले लिया है, कि नहीं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए, ठीक है ना, तो उन्होंने सभी ने लिया। लेकिन जैसे ही बड़ा मोबाइल आया तो हम लोग यंगस्टर लोग उसमें टूट पड़े, है कि नहीं। हम लोग को चाहिए चाहिए, क्योंकि हम लोग को दिखाना है, सबसे पहला बात हम लोग को दिखाना है, और हम नया जनरेशन के लोग हमको चाहिए चाहिए।
लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे हमारा पेरेंट्स में अगर हम देखने जाएंगे तो आज हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं, पेरेंट्स लोग, जो आज उनको समझ में आ चुका है कि आज के टाइम पे हमारा हाथ में भी क्या होना जरूरी है, स्मार्टफोन होना जरूरी है। और आज देखने जाओगे तो आप अपना अपना घर में भी अच्छे से देखो, उन लोगों का हाथ में भी स्मार्टफोन का जरूरत है, वो लोग भी अब खोजना चाहते हैं, वो लोग भी अब लेना चाहते हैं, वो लोग भी अब कैरी करना चाहते हैं, वो लोग भी समझ में आ चुका है कि इसको नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत जगह पे पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आज समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज फोन रहेगा तो बहुत सारा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेरेंट्स के तौर पर बताता हूँ, जैसे आज एक पेरेंट्स अपना बच्चा को स्कूल से लेकर आ रहा है ना, बच्चा को तो ये अलाउ नहीं है, 3-4-2 का बच्चा को अगर पेरेंट्स के हाथ में फोन रह जाए तो फट से रूटीन को खींच लिया, कुछ नोटिस आया फट से फोटो क्लिक कर लिया और घर में आके दिखाया, किसी को दिखाया, जो पढ़ने जाता उसको दिखाया, इसका मतलब क्या है बता के दो, रूटीन आया है ये देख लो, ठीक है ना, मतलब बहुत सारा फायदा है, ठीक है ना। आज देखो हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहता है, आजकल तो मतलब वीडियो के थ्रू से बात होता है, तो आज फोन रहता है तो डेफिनेटली हर कोई बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज लोगों को धीरे धीरे करके एक बार में सब बेनिफिट समझ में नहीं आया, अगर कोई समझाने में जाएगा तो एक बार में कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, मैं उसको फोर्स करके समझाता हूँ, समझ नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक पॉइंट उसका दिमाग में जिस दिन धीरे धीरे करके इनपुट होगा, वो आने वाला टाइम पे खुद अपने आप क्या होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो सेम थिंग नेटवर्क मार्केटिंग का पॉजिटिव भी, एक बार में हम समझाएंगे तो हो सकता है बहुत लोग ना समझ पाए, लेकिन धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको समझना ही पड़ेगा, उसको उसका साथ में कनेक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि आज अगर मैं बोलेगा तो बहुत सारा लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग और इजी हो चुका है करने के लिए, क्योंकि हमारा कंपनी 1 लाख पे इनकम दे